आज चिल्ड्रंस डे, इसलिए सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आप सबको बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि ये दिन भारत के बच्चों यानी भारत के भविष्य को समर्पित है। बचपन जीवन का सबसे खूबसूरत दौर होता है। बच्चों पर ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती है और ये राजनीतिक, सामाजिक और भावनात्मक तनाव से दूर होते हैं। बच्चों को ऐसे ही स्वीकार किया जाता है जैसे वे है। कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे। यही बात एक बच्चे को इतना जीवंत बनाती है। आज हम बच्चों की इसी मासूमियत और पवित्रता को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि हर नई पीढ़ी नई संभावनाओं को और नए सपने लेकर आते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन और सूचना क्रांति का ये एक नया युग है। बच्चे आज विभिन्न घरेलू, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे के बारे में जागरूक होते हैं। आजकल के बच्चे तो कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, इसलिए हर चीज को और जानते हैं, पहचानते हैं। टेक्नोलॉजी के आने से नॉलेज और इंफॉर्मेशन अब उनकी फिंगर टिप्स पर है। बच्चों के हाथ में अभी मोबाइल फोन और कंप्यूटर, इसलिए उनके सारी दुनिया, सारी विश्व उनके फिंगर टिप्स पे है ना। इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें सही मूल्य सिखाने की अधिक प्रयास करें और उन्हें विभिन्न कार्य और चर्चाओं में शामिल करें। आप भारत के भविष्य के निर्माता हैं। ये सोचिए कि आप बड़े होकर किस तरह की भारत में रहना चाहते हैं। आप जिस तरह के भारत बनाएंगे उसी तरह के भारत में हम सब रहेंगे। आज से उस दिशा में बढ़ना शुरू कर दे। जो कार्य करे मेहनत और लगन से करे। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, कठिन परिश्रम आपको सफलता देगी। काम के साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण की भी चिंता आपको करनी चाहिए, क्योंकि हम पर्यावरण से रहते हैं। पर्यावरण बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पर्यावरण साथ के साथ में लेकर के आए हैं और पर्यावरण साथ ही हम लोगों को जीना पड़ेगा। जब आप बड़े हो जाएंगे तो भी अपने अंदर के बच्चों को जिंदा रखें, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे सरल होते हैं, बच्चे पवित्र होते हैं, बच्चे सच्चे होते हैं। इसलिए उसको जिंदा रखना जिंदगी भर, हमेशा उसी तरह जीवंत बने रखें जैसे आप आज हो। बड़े होकर भी बच्चों की तरह क्षमाशील बने। आप अपने जीवन में जहां भी जाएं भारत की संस्कृति से जुड़े रहें और दुनिया में इसकी समृद्धि का प्रचार करें। अपने माता पिता का सम्मान करें और हमेशा अपनी मातृभूमि से प्रेम करें। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे यू मेक इंडिया प्राउड। आप जो बनेंगे आप तो आपको खुश देख करके समाज खुश होंगे, प्राउड फील करेंगे, देश भी प्राउड, देश भी गौरवान्वित होंगे।